भाई जब से WWE में विंस मैकमैन वापसी आए हैं, कोई भी सुपरस्टार बैकस्टेज में बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस बार जो रॉ का एपिसोड गया है उसमें भी काफी ज्यादा सुपरस्टार का टाइम कट किया गया, एंड इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम आज की वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो हम लोग बात कर लेते हैं, अभी रॉ के एपिसोड जो गया है उसमें काफी ज्यादा सुपरस्टार का टाइम कट किया गया, एंड भाई टीवी पर हमको काफी ज्यादा सेगमेंट देखने को मिलते जो कि हमको कुछ ब्रॉल की वजह से एंड कुछ मैचेस की लेंथ की वजह से हमको देखने के लिए नहीं मिले। एंड ये भी क्या क्या कट हुआ, किन किन का कट हुआ ये भी कुछ नहीं पता, लेकिन भाई इसका मेजर कारण जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है विंस मैकमैन का। एंड भाई विंस मैकमैन जब से कंपनी में रिटर्न आए हैं ये हमको काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है कि जो पुराने सुपरस्टार पहले टेलीविजन पर दिखा रहे थे वो अब कम हो रहे हैं, एंड जो फेमस सुपरस्टार है भाई उनको ही टेलीविजन पर टाइम दिया जा रहा है। एंड इस वजह से जो WWE में बैकस्टेज सुपरस्टार वर्क कर रहे हैं वो भाई बिल्कुल भी खुश नहीं है WWE की वजह से, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम टेलीविजन पर या तो ब्लड लाइन लेके जा रही है या जजमेंट डे लेके जा रही है या फिर ब्रॉक लेसनर, कोडी रोड्स या फिर सेथ रोलिंस, बॉबी लैशली, ये जो कुछ बड़े बड़े सुपरस्टार है भाई पूरा का पूरा टाइम स्लॉट्स यही फिल कर ले जा रहे हैं। एंड जब से भाई ब्लड लाइन की राइवलरी चली है केविन ओवेंस सेथ रोलिंस से, तो भाई आप मान लो कि ये तो पूरा का पूरा ही टाइम स्लॉट इन्होंने इस तरह से बुक कर दिया है कि किसी और सुपरस्टार को टेलीविजन पर आने का मौका नहीं मिल रहा। एंड इसमें जो मेजर रोल बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है विंस मैकमैन का, कि विंस मैकमैन ही कुछ इस तरह से बुकिंग कर रहे हैं। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।